हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए, आपको ये नॉलेज के लिए लेकर आई हूँ कि किस एज में कैसा फेशियल कराना चाहिए। यस फ्रेंड्स, मोस्टली लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि, और इस चीज़ के बारे में मालूम भी नहीं होता एक्चुअली। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें इस चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं रहता कि कब कौन सा फेशियल और किस एज में कराना चाहिए। क्या ये लड़कियाँ, तो मैंने बहुत मोस्टली देखा है कि जो 29-30 के वो पहुँचती हैं, ये तो कम से कम साल में 6 से 7 फेशियल भी ले लेती हैं, जब जो जो कि उनके लिए सबसे ज़्यादा गलत है। अभी वो ले लेती है, आगे चल के उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा गलत बात है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। फेशियल का एक एज होती है, एक टाइम होता है कि किस पीरियड में अपने को कितना फेशियल ज़रूरत है। तो आज मैं आपके लिए वही सब लेकर आई हूँ। तो प्लीज़, अगर आपको ये मेरी नॉलेज, आपको ये मेरा जो भी मैं आपको बता रही हूँ तरीका, आपको ये मेरा तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना कौन सी एज में, मतलब किस एज में आपको कितने फेशियल करने चाहिए। तो फ्रेंड, अगर हम लोग 20 अबव जा रहे हैं तो 22-25 अबव, 20-25 में हम लोग जा रहे हैं, तो 20-25 के बीच में आपको कोई भी बाहर का फेशियल नहीं लेना है, कोई भी बाहर का फेशियल नहीं लेना। हाँ, अगर अगर ऐसा है कि भाई आपके घर में फंक्शन है या फिर आपकी शादी है, तो डेफिनेटली आप लीजिए, डेफिनेटली लीजिए कि उस फंक्शन के टाइम पर ही लीजिए। अदरवाइज़ आप प्लीज़ बाहर का कोई फेशियल नहीं लीजिए। हाँ, आप घर के आराम से ले सकते हैं, घर के इतने सारे पैक हैं, इतने सारे फेशियल्स हैं जो होममेड फेशियल है, होममेड क्लीनर पर एक दो ऐसा है जो मैंने पैक निकाले हैं और मैं आगे भी निकालूंगी, लेकिन होममेड पैक भी आते हैं, आप प्लीज़ वो यूज़ कीजिए। आपको जो भी होममेड पैक पसंद है, जो भी होममेड फेशियल पसंद है, आप प्लीज़ वो कीजिए। आप दूध बादाम लगा सकते हैं, आप दूध फेस पर लगा के उसको सिर्फ क्लीन अप कर सकते हैं, आप रोज़ वाटर एंड चंदन पाउडर लगा सकते हैं, इतने सारे होममेड पैक आते हैं, आप कुछ भी निकाल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आप कुछ जो मैंने निकाला हुआ उनसे, उनमें से कुछ पसंद आप वो यूज़ कीजिए। बट लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ 20 से 25 के बीच में अगर आप हैं तो प्लीज़ बाहर का फेशियल जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अगर आपकी खुद की शादी है, खुद को कोई अपने घर में फंक्शन है, तो आप बस वही फेशियल लीजिए, अदरवाइज़ कोई फेशियल मत लीजिए। सेकंड, 25-35 के बीच जो एज आती है, जो 26 से लेकर 30 तक होती है, उसमें हमारे फेशियल की जरूरत होती है। तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें सिर्फ आपको बाल का एक फेशियल लेना है। यस, सिर्फ एक फेशियल लेना, आपको दो फेशियल नहीं लेने, आपको सिर्फ एक फेशियल लेना। बाकी का आप क्या कीजिए, आप वही कीजिए, होममेड क्लीनअप करिए, होममेड पैक लगाइए, और सिर्फ खाली बाहर होममेड मिनी फेशियल भी आते हैं, आप वो कीजिए। एंड आपको कुछ भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ हफ्ते में 2 बार कोई भी पैक लगा लीजिए। मैंगो पैक होता है, बनाना पैक होता है, पटेटो पैक होता है, आलमंड पैक होता है, एंड अभी कितने सारे पैक आते हैं होममेड, तो हम लोग कुछ भी बना सकते हैं और कुछ भी लगा सकते हैं। एंड इवन इतने सारे हैं, आपको जो भी पसंद हो, मैं ये आपको यही नहीं कह रही कि आपको मेरा ही आप पैक लगाइए, नहीं, मैं सब बिल्कुल आपको नहीं कह रही हूँ। अगर आप किसी और को भी पैक आपको पसंद है तो आप प्लीज़ वो लगा लीजिए। तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार वो पैक लगाइए, और जब भी आपको लगा महीने में, साल में एक फेशियल लीजिए, आपकी स्किन यंग बनी रहेगी, हमेशा स्किन टाइट रहेगी, लूज नहीं पड़ेगी, एंड आपकी स्किन ग्लो रहेगी। थर्ड इस मेरा आता है कि 30-35, अगर आप इस एज में हैं तो फ्रेंड, इस एज में हमें एक एक्स्ट्रा केयरिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए प्लीज़ आप अपने ध्यान रखिए, इसमें हमें सिर्फ दो फेशियल लेने हैं। दो फेशियल कौन से लेने हैं, आपको एक एंटी एजिंग फेशियल लेना है, एंड एक जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल है। आपकी कैसी स्किन है वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयली स्किन के हिसाब से लीजिए, अगर आपकी स्किन स्पॉटलेस है तो आपको कम करने के लिए लीजिए, अगर आपकी स्किन जैसी भी है तो आप प्लीज़ अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल लीजिए। एक और एक लीजिए आप एंटी एजिंग 6-6 मंथ्स में, आप ये ध्यान रखिए। बाकी का मैं आपको वही कहूँगी जो मैं आपको दोनों में बोला है कि होममेड क्लीनअप कीजिए, होममेड फेस पैक लगाइए, सबसे बेस्ट है, आप प्लीज़ ये ज़रूर कीजिए। और हाँ, एंटी एजिंग जिसके जो 35 तक, तो जो भी मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़
आप जो भी पैक लगाओ, आपको ये करना क्या है, आपको महीने हफ्ते में एक बार एंटी एजिंग होममेड पैक देना ही देना है। आप कुछ भी कीजिए, आप हफ्ते में दो बार कोई पैक यूज़ करो तो एक बार आप कोई भी जो आपको पैक पसंद हो, कोई भी पैक पसंद हो वो यूज़ कीजिए। एंड सेकंड, एक एंटी एजिंग फेस पैक आपको देना ही देना है। अगर आपको आगे अपनी स्किन ग्लो चाहिए, एंटी एजिंग से फ्री चाहिए, आपको स्पॉटलेस फ्री चाहिए, निखरी हुई चाहिए, तो आपको ये करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ जो भी आपको अच्छा लगता है आप प्लीज़ वो यूज़ कीजिए, आपकी स्किन हमेशा यंग एंड निखरी हुई रहेगी। एंड जब आता है हमारा 35 के बाद, जो आपकी 35 टू 45, 45 जो एज है, आप इसमें हर 3 मंथ्स में एक फेशियल दीजिए। बस अब वो आपको अपनी स्किन को कोड देना, दो बार आपको एंटी एजिंग देना है और दो बार आपको यही करना, दो बार एंटी एजिंग देना और दो बार अपने फेस के अकॉर्डिंग देना है। आप सोचेंगे फेस अकॉर्डिंग मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, तो फ्रेंड उसका फाइनली रीज़न ये है कि बिकॉज हमारी स्किन जैसी है, चाहे वो ऑयली है, चाहे वो कॉम्बिनेशन है, चाहे उस पर हमारे स्पॉट्स हैं, या फिर हमारी कॉम्बिनेशन क्या है हमको नहीं मालूम, ड्राई है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग फेशियल देना बहुत ज़रूरी है। इवन खाली आप एंटी एजिंग देते जाओगे, जो फेस के अकॉर्डिंग नहीं दोगे तो आपकी जूड़ी चाहिए तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका जो स्किन का जो है टोन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका जैसा स्किन है वैसा फेशियल को ज़रूरी होता है, तो वो दीजिए। और इनके साथ साथ मैं सबसे बड़ी बात कहूँ, जो आप 30+ है प्लीज़ एंटी एजिंग क्रीम मिस नहीं करिएगा। अगर आप 30+ है तो प्लीज़ एंटी एजिंग क्रीम एक टाइम ज़रूर लगाइए, ज़रूरी नहीं आप नाइट में लगा, डे में भी लगाइए। एक कुछ ऐसी क्रीम लगाइए जो एंटी एजिंग भी हो और वो सनस्क्रीन का काम भी करे। तो आपके लिए मैं आपको सही बता रही हूँ, कोई भी ये जो 21 हो, 22 हो, आपको सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं छोड़ना। जो 30+ है वो एंटी एजिंग या सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, प्लीज़ आप ये ज़रूर लगाइएगा। एंड अगर आप उसके आगे और आपकी जो एज है 50, 55, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी केयरिंग करते जाइए। आप महीने में एक फेशियल देना, दो महीने में एक फेशियल देना, वो देते जाइए, होममेड फेशियल करते जाइए। इससे आपकी स्किन ग्लो रहेगी, आपको जल्दी प्रॉपर्टी जल्दी नहीं होगी, जो इस एंटीजी आपको 40 में जो दिखनी होगी, मैं आपको सही बोल रही हूँ, जो 40 में दिखनी होगी वो आपको कम से कम 55 ए से पहले बिल्कुल नहीं दिखेगी। और ये बात मैं ऐसी नहीं बोल रही, मेरा दावा है, मैं आपको सही बोल रही हूँ कि अगर 40 में जो आपके छोटे छोटे जो शुरू होंगे वो आपको 55 से पहले बिल्कुल नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए, इसको आप अप्लाई कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपनी मोम्स को, अपने ताई चाचा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेशंस हैं, रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं आपके, प्लीज़ उनको सब शेयर कीजिए, अपने मामा चाचा जो भी लोग हैं। क्योंकि हमारी स्किन कलर ये ऐसा नहीं है आप कहोगे कि ऐसी है, कुछ है, कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज़ ये फॉलो करिए, आपको खुद पे खुद मालूम पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी नॉलेज, ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं बाद में।